Good morning, dear students. I am Vipin Kumar, and today is Monday. Our math class is here. So, as you know that last class already we completed exercise 4.1, chapter 4, decimal started, and exercise 4.1 completed. So now we are going to start our next exercise 4.2. Okay, 4.2. In the 4.2, we have to learn about the multiplication. We have to learn about the multiplication. Multiplication के बारे में हमको पढ़ना है. Okay, so the first question. Find the product. इसके अंदर ये I तक दी हुई, इन सब का आपको product find करना है. क्या find करना है? Product. As you know that how we will do the multiply, same as like this. जैसे आपको पता है कि multiply कैसे करता है, वैसे इनका multiply करना है. But you have to use the direct way. The direct way is there. Just see. Multiply by 10, 100, 100, 100, 1000, 1000. So when you will multiply by 10, 100, 1000, then remove your point decimal and right hand side. जब अपन 100, 10 और 1000 से multiply करेंगे तो direct answer find करने के लिए. Suppose multiply वाला method तो अपने पास है ही से. But अगर direct answer find करना हो, then you will remove your point or decimal to right hand side. Suppose first मैं तुम्हें multiplication method से बता दूँ. 7.2 multiply by 10. 0, 0, 2, 1, 2, 7, sorry. And 0, 2 and 7. It means after one digit point is there, so after one digit point then 72.0 is your answer. तो ये तो सिंपल वे है जो अपन जानते हैं छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आए कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और फिर पॉइंट कैसे लगाते हैं. ओके, बट हियर वी हैव टू सॉल्व डायरेक्टली. तो डायरेक्टली करने के लिए जब एक जीरो है तो पॉइंट को एक प्लेस राइट हैंड साइड में मूव करना है. तो एक जीरो है इसलिए पॉइंट एक प्लेस राइट हैंड साइड में मूव होगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 72.0. डायरेक्ट भी ऐसे फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो ये वाला गलत तो है ही. ओके, सेम एज हियर, 10 इज देयर, द पॉइंट मूव टू वन प्लेस हियर, तो 1, 2, 4 प्रिया है बाय जगह पॉइंट 60 एज इट इज. ओके, नेक्स्ट हियर वन प्लेस इज देयर, द पॉइंट विल मूव हियर 1, 2, 5, 3.060 इज हियर. इफ यू वांट टू राइट जीरो देन नो प्रॉब्लम, इफ यू डोंट वांट टू राइट जीरो देन आल्सो नो प्रॉब्लम. ओके, अगर आपको जीरो लिखना है तो भी सही है और नहीं लिखोगे तो भी सही है, एज योर विश. नेक्स्ट 100. अब यहां पे तो वन प्लेस ही है पर यहां पे यहां 100 है तो दो प्लेस तक ये मूव होगा. तो क्या हो जाएगा? दो प्लेस तक मतलब यहां पे इससे भी आगे आएगा. तो 158. अब यहां पे कोई नंबर नहीं है इसलिए क्या हुआ? 0.0. ओके, वन प्लेस तक मूव होगा ये आगे 0.0. ओके, दिस इज द आंसर. और अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो आपका डायरेक्ट मल्टीप्लाई वाला मेथड है ही है. ओके, एनी डाउट? सो यहां पे एक प्लेस था बट दो जीरो है इसलिए एक और जीरो पुट करके फिर पॉइंट आ जाएगा. फिर यहां पे सेम है, दो जीरो है और दो प्लेस है, 1, 2, 5, 4, 7 पॉइंट इन दोनों से आगे आ जाएगा और 0.00. सेम ईयर दो है तो यह पॉइंट आ जाएगा यहां पे 1000.100. ओके, नेक्स्ट तीन जीरो पर प्लेस तो एक ही है तो क्या होगा? एक और दो और फिर आगे तीन. ओके, इट मींस 286. एक प्लेस था, दो प्लेस नहीं है इसलिए 0.000. ओके, और जीरो वट एवर यू वॉन्ट टू राइट. ओके, नेक्स्ट तीन प्लेस है तो तीन प्लेस ये पॉइंट सीधा यहाँ पे आ जाएगा 1, 1, 1, 1, 0, 1.0. ओके, नेक्स्ट ईयर ऑल्सो थ्री प्लेस है तो ये कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे, तो 27005.30. तो दिस इज द वे टू सॉल्व अ डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10,000 and 100. 10,000 और 100 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने का ये तरीका है. तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और नोटबुक में लिख दें. ओके, और अगर समझ नहीं आ रहा तो ये वाला मेथड आपका है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो. ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट एंड राइट इन नोटबुक. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड बोथ आर सेम, बोथ आर सेम. मल्टीप्लाई द डेसिमल नंबर विद द होल नंबर एंड फाइंड द प्रोडक्ट. इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है. इसमें भी क्या करना है? इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है एंड फाइंड द प्रोडक्ट. बट द डिफरेंट थिंग इज हियर, यहां पे केवल एक नंबर में ही डेसिमल है, सेकंड नंबर जो है वो होल है. जस्ट सी, 4 हो जाए होल नंबर, 15 से होल नंबर, 9 हो होल नंबर, 11 होल नंबर, बट यहां पे दोनों के अंदर पॉइंट है. ओके, सो वे इज सेम, आपका वे सेम रहेगा. बट जस्ट सी हियर हाउ टू डू. जस्ट वंस यू जस्ट फॉरगेट द पॉइंट, यू जस्ट फॉरगेट द डेसिमल. ओके, 4 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई 3 इज 12, राइट?
फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट एंड फोर थ्री जा ट्वेल्व। अब देखो पॉइंट के बाद एक प्लेस है तो आप एक प्लेस छोड़ के यहाँ पे पॉइंट पुट कर दो। दिस इज योर आंसर। ओके एनी डाउट? नेक्स्ट ईयर 15 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 वन जा 8 एंड 120, आंसर इज 120। ओके बट आफ्टर द डेसिमल देयर इज वन नंबर, सो यू जस्ट रिमूव वन पॉइंट एंड प्लेस एंड पुट द पॉइंट। ओके पॉइंट के बाद एक डिजिट है इसलिए एक छोड़ के पॉइंट लगा दिया। यहां पे 124.9, 124 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 4 36, कैरी 3, 9 2 18, 89 3 21 एंड कैरी 2, 9 9 9 11, 1 1 1 6। पॉइंट के बाद में एक प्लेस है तो अगेन एक प्लेस छोड़ के यहाँ पे पॉइंट पुट कर दो। ओके एनी डाउट? नेक्स्ट वन 25062 मल्टीप्लाई बाय 11, तो 26052 सो द आंसर इज 2 6 and 2 8 0 and 6 5 7 2। ओके बट यहाँ पे तीन प्लेस छोड़ के डेसिमल है। जस्ट सी आफ्टर द डेसिमल देयर आर थ्री नंबर्स आर देयर 0 6 and 2, सो जस्ट रिमूव थ्री डिजिट आफ्टर वर्ड्स पुट द पॉइंट, सो द आंसर इज 275.68। ओके एनी डाउट? सेम एज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर बट हियर टू डेसिमल्स आर देयर, सो नो प्रॉब्लम, वी विल काउंट द बोथ डेसिमल एंड आफ्टर वर्ड्स पुट द प्लेस। 15 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 6 6 6 and 3 9। ओके सो आवर आंसर इज 90। नाउ जस्ट सी वन प्लेस इज हियर एंड वन प्लेस इज हियर, यहाँ पे भी एक पॉइंट के बाद एक प्लेस है और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक प्लेस है, तो टोटल कितने प्लेस हो गए? टोटल टू प्लेसेस आ गए। देन यू रिमूव टू प्लेस आफ्टर पुट द पॉइंट। यहाँ पे पॉइंट के बाद एक प्लेस है और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद क्या है? एक प्लेस है, मतलब दो प्लेस हो गए, तो दो प्लेस छोड़ के पॉइंट लगा दो, एक दो एंड पॉइंट हियर, तो 0.90 इज योर आंसर। ओके एनी डाउट? सो द नेक्स्ट इज 49 मल्टीप्लाई 23, सो 9 3 जा 27, 2 3 4 जा 12 and 2 15, 9 2 जा 8 18, सॉरी कैरी 1, 4 2 जा 8 and 1 9, तो 7 8 and 5 13 1 1 3 7। नाउ जस्ट सी आफ्टर द डेसिमल वन प्लेस इज हियर एंड आफ्टर द डेसिमल वन प्लेस इज हियर, तो 1 एंड 1 टू प्लेस, इट मींस वी हैव टू रिमूव टू प्लेस एंड देन पॉइंट द पुट द पॉइंट, सो 1 2 एंड पॉइंट विल बी हियर 11.37। सो सेम एज यू डू नेक्स्ट सी एंड डी इज योर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर सी एंड डी ऑफ सेकंड वन इज योर होमवर्क, सेम एज यू हैव टू डू, जस्ट सी मल्टीप्लाई 72159 मल्टीप्लाई 72159 बाय 81446, आफ्टर वर्ड्स जो भी आंसर आएगा आपका मल्टीप्लाई करने के बाद कितने प्लेस छोड़ के पॉइंट लगाओगे? अश्विन यस वेरी गुड, कितने प्लेस? दो तो यहां पर है और दो यहां पर है, कितने प्लेस? फोर प्लेस छोड़ के आपको पॉइंट अप करना। ओके सो नेक्स्ट 0.0058110, तो इसमें क्या करना आपको 110 छोड़ दो, 1102 का मल्टीप्लाई 58 से करना है, किससे करना है? 58 से। ओके सो जो भी आपका आंसर आएगा उसमें कितने प्लेस छोड़ के पॉइंट लगाएंगे इसी का? वेरी गुड यस, 1 2 3 4 5 प्लस 2, दो यहाँ पे और पांच यहाँ पे, मतलब 7 प्लेस छोड़ के आप पॉइंट लगा दोगे। अगर 7 प्लेस नहीं है तो उनके फ्रंट में 0 पुट करते जाओ जितने हैं, सपोज सी 1102 मल्टीप्लाई बाय 58, तो 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 एंड 8 1 जा 8, आफ्टर वर्स 5 2 जा 10, 5 and 5, सो द आंसर इज इनका मल्टीप्लाई क्या होगा? 6 1 9 8 and 5 13 एंड 6, मतलब इनका मल्टीप्लाई आएगा, इसका आपका आंसर आएगा 6 6 3 9 1 6, आंसर क्या आएगा? 6 3 9 1 6, इनका प्रोडक्ट करने पर इसका आंसर आएगा 6 3 9 1 6। ओके 6 आ गया। अब मैंने अभी भी आपने बताया कितने प्लेस है, 1 2 3 4 5 और दो यहाँ पे, कितना हो गया? 7, व्हिच मींस 1 2 3 4 5 6 7 एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉइंट, सो दिस इज योर आंसर। ओके सो द वन मोर लास्ट सी वन इज योर होमवर्क, ये सी वाला है केवल और केवल ये आपका होमवर्क है, रेस्ट मैंने कर दिया, सो टेक द स्क्रीनशॉट एंड राइट इन अ नोटबुक।
more than fifth. Just see, a tin of milk powder, a tin of milk powder, rupees 35.45. एक milk powder का tin है, उसकी cost कितनी है? 35.45. Mayur bought 5 such tins. Mayur कितने tins bought करता है? 5. How much money did he pay? उसको कितने पैसे उसने दिए हैं? तो just see, multiply करना आपको बताइए. As you know that the cost of, if the cost of one pen is 5 rupees, then what is the cost of 10 pens? Very good, 50 rupees. Multiply करना है, इसमें भी आपको क्या करना है? Multiply. So we know that the cost of one tin packet, one tin, how much? Rupees 35.45. ये एक tin की cost है. So the cost of, how much tin he bought? 5 tins. 5 multiply 35.45. आप क्या करो? 3545 का multiply 5 से कर दो. Okay, so you got your answer. 5 5 जा 25 carry 2. 5 4 जा 20. 20 into 22 carry 2. 5 5 जा 25. 25 into 27 carry 2. 5 3 जा 15. 15 and 2 17. So the answer is rupees 17725. But just see the decimal. After the decimal, there are two numbers are there. So just remove the two numbers and put the decimal. So 1 2, decimal is here. So answer is 177.25 rupees. Okay, same as the third, fifth one, also same as like this. Okay, see the price of a tube toothpaste. If tube toothpaste ki price jo hai wo kya hai? Tube toothpaste ki price hai 95.25. Cost of a toothpaste. How much? Rupees 95.25. Okay, and what is the cost of 24? Is the toothpaste like 24? So the cost of 24 toothpaste, 24 multiply by 95.25. इसमें आपको क्या करना है? Multiply करना है. 9525 multiply by 24. 5 4 जा 20. 4 2 जा 8 and 10 carry 1. 5 4 जा 20. 20 and 1 21 carry 2. 4 9 जा 36. 36 and 2 38. Okay, 5 2 जा 10 carry 1. 2 2 जा 4 and 1. 5, 5 to the 10, carry 1, 9 to the 18 and 1, 19. It means then 0, 0, 6, 8, 12 or 2. The answer is rupees 228600. 228600. But just see, the decimal is there. So after the decimal, there are two numbers. So remove 2 points and put the decimal. So the answer is 2286 rupees. Okay. So as it is, rest all questions are like this also. You have to do the multiplication or division or multiplication in all questions and find your answer. Okay. So take the screenshot and write in a notebook. Okay, student. So the next question, sixth one. The weight of a packet of buns is rupees 0.750 kg. What is the weight of the 18 such packets? Okay, so as you know that the weight of one packet, is kitna weight hai bhai? 0.750 kg. So weight of weight of 18 packets, such packet, 18 multiply by 0.750, तो 750 का multiply आप लोग 18 से कर दो. 0 8 5 जा 14 carry 4, 8 7 जा 56, and 4 कितना हुआ? 60. 0 5 and 7, so the answer 0 0 5 30. So the answer is 13500 kg. But just see, after the decimal, there are three number, 1, 2 and 3. So remove the 3 points, 1, 2, 3 and put the decimal. Okay. So 13.500 kg is your answer. Any doubt?
So the next question also like this. A taxi driver charge rupees 10.25 kilometer per kilometer. मतलब a taxi driver charge of per kilometer. एक किलोमीटर का चार्ज कितना है भाई? टैक्सी ड्राइवर कितना चार्ज करता है? 10.25. तो he charge for journey 96.5 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज करेगा? So cost for या चार्ज फॉर, सो चार्ज फॉर 96.5 किलोमीटर इक्वल्स टू 96.5 इनटू 10.25. आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्या आ जाएगा? चार्ज मल्टीप्लाई यू हैव टू डू, आपको मल्टीप्लाई करना है. ओके इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है किसका? 10.25 का मल्टीप्लाई करना है 965 से. ओके और जो भी आपका आंसर आएगा उसमें कितने प्लेस छोड़ के पॉइंट पुट करेंगे? प्रथम. यस वेरी गुड. यहाँ पे एक प्लेस है और यहाँ पे दो प्लेस है, मतलब तीन प्लेस छोड़ के आपको पॉइंट पुट करना है. ओके यहाँ पर एक प्लेस है और यहाँ पर कितने प्लेस है? दो प्लेस है, तो आपको तीन प्लेस छोड़ के आपका पॉइंट पुट अप करना है. सपोज इनका मल्टीप्लाई कर दे कितना होगा? 5 5 25 कैरी 2 5 5 12 5 12 15 6 5 13 6 2 12 3 12 3 15 6 1 6 2 9 5 45 carry 4 9 2 18 18 4 22 and 9 1 9. So the answer is 5 2 5 and 10 and 11 5 and 6 and 7 8 9 8 9. So the answer is rupees 989125. कितने प्लेस छोड़ के पॉइंट गुड होगा? वेरी गुड. तीन प्लेस, दो यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो 1 2 and 3. द आंसर इज 989.125 रुपीज. ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस. 14.2 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट वाला 8.1. If one drum can hold 25.550 liter of oil, अगर एक ड्रम के अंदर इतना ऑयल है, then how many liter के ऑयल can hold 36 such drum? मतलब एक ड्रम के अंदर आपको ऑयल की क्वांटिटी दी हुई है और आपको फाइंड करना है 37 ड्रम के अंदर कितना ऑयल आएगा. तो क्या करना है इन दोनों का? आप क्या लिखोगे? We know that the capacity of one drum is 25.550 liter. So the quantity या capacity of 37 drum, 37 multiply 25.550 इन दोनों का multiply कर दोगे और कितने place बाद point लगाओगे? तो यहाँ पे 3 place है, तो 1 2 3 place group पे आपको point लगाना है. Okay? So now the exercise 4.2 is completed. If you are having any doubt, then you can ask. Okay? But I think doing this exercise too much simple as there only multiplication as there. So just take care about the decimals. Okay? If both number having the decimal, then count both number and after put the decimal. If one number only having the decimal, then after only one place, just put the point. Okay? So today's class is over. Thank you. Take the screenshot and write in a notebook. And next 7th, 8th question is your homework.